आम धारणा के विपरीत के इस्लाम में अंगदान निषिद्ध है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज यानी वर्क इस भ्रांति को तोड़ने के लिए एक अभूतपूर्व पहल कर रहा है। वर्क ने 400 से अधिक लोगों को अंगदान के संकल्प के लिए एक मंच पर लाया है जिनमें बड़ी संख्या में मुसलमान शामिल है। वर्क के अध्यक्ष अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक ने नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अंगदान समाज में इस जीवन रक्षक कार्य की व्यापक समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देता है। इस अवसर पर वर्ग 36 उत्कृष्ट एनजीओ और व्यक्तियों को समाज और मानवता के प्रति उनके अद्वितीय योगदान के लिए सम्मानित करेगा जो समाज और मानवता के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। वर्ग के अनुसार ये संगठन सामाजिक परिवर्तन की दिशा में अग्रणी रही है और उनके प्रयासों की सराहना करते हुए वर्ग को गर्व महसूस होता है। वर्ग के केंद्रीय सचिव और वर्ग महिला विंग की अध्यक्ष सोमो तारिक ने बताया कि वर्ग देश के 200 से ज्यादा जिलों और कई अन्य देशों में समाज की भलाई के लिए निरंतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ग बिना किसी सरकारी या बाहरी वित्तीय सहायता की पूरी तरह से स्वनिधि से काम करता है। संगठन के सभी कार्यों के लिए वर्ग के समर्पित स्वयंसेवक जिन्हें वर्कर कहा जाता है मिलकर अपने संसाधन जुटाते हैं। यह आत्मनिर्भरता और सामूहिक प्रयास का अनोखा मॉडल वर्ग के उस मिशन को दर्शाता है जिसमें समाज की सेवा को ईमानदारी और स्वतंत्रता के साथ निभाया जाता है। और डोनेशन की आप बात कर रहे हैं, देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐलान होगा लेकिन जागरूक हम तो ग्राउंड पर करते हैं और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं या जिन्हें हम वर्कर्स कहते हैं वो हर जिले में ग्राउंड पर करते रहेंगे, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा सहयोग आप लोगों का होगा कि कितना आप इसको ले जाते हैं आगे, कितना आप कहते हैं, और उसमें हमारे पास बहुत से तर्क हैं जो कुरान के ही हैं तो हम उन चीज़ों को भी रख सकते हैं। तो ये जब जागरूकता तो असल उससे फैलेगी, हम जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, हमने शुरू कर दिया और करते रहेंगे। 36 साल आपकी संस्था को हो चुके हैं, 37वां साल बड़े अच्छे से सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कहाँ ये कार्यक्रम होने वाला और कितनी संस्थाओं को आप सम्मानित करने वाले हैं? 36 साल हुए हैं तो 36 संस्थाओं को सम्मानित करना है और कार्यक्रम जो होने जा रहा है वो लोधी रोड के ऊपर श्री सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर है, वहाँ पर एक कार्यक्रम होगा। संस्थाओं को सम्मानित करने का मकसद क्या है संस्था का? मकसद ये है, उद्देश्य ये है कि ये लोग सब आपस में जुड़ सकें, एक दूसरे को जान सके, बहुत से नहीं जानते, अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, वो लोग जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं सचमुच कर रहे हैं तो उनको दूसरे भी पहचाने और उनको वो लोग आपस में भी एक दूसरे को पहचाने। हमें तो कोई भी बुलाता है, हमारा और बहुत किया है हमने, हमें कोई बुलाता है और कहता है कि ये काम है हमारा, हमारे साथ में हमारे करा दिए, तो उनका बैनर होता है और हमारे कार्यकर्ता जाते हैं कि अच्छा काम है हम साथ देंगे। 36 सालों से किस तरीके से संस्था काम कर रही है और कहां कहां अभी तक संस्था का आपका गठन हो गया, कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं? देखिए कुल मिला के तो संख्या कम है, कुल मिला के संख्या तो 3-4 हज़ार होगी, लेकिन ये 3-4 हज़ार 3-4 लाख पर भारी है इसलिए कि लगातार काम करते हैं, हर जिले के अंदर करते हैं और फिर हमारे सहयोगी मानने वाले या पसंद करने वाले जो हैं वो बहुत हैं, जो सहयोगी दूसरे हैं, तो हम अभी तक हम 250 जिलों के अंदर ज़्यादा सक्रिय हैं, चल रहे हैं आगे। इतना समय भी इसलिए लगा खाली 250 जिलों में, वही कि फिर हमारी जो शर्तें हैं वो ये नहीं कि खाली कोई फॉर्म भर दे, बल्कि बात यह कि उन्हें आकर काम करना पड़ेगा और काम करने में काम करना है और अपने समय अपना समय निरंतर लगाना भी है और पैसे भी देने। संस्था का उद्देश्य क्या है? बस लास्ट सवाल। संस्था का उद्देश्य एक शब्द में अगर कहूँ तो कंपैशन, करुणा और रहमत। NBC न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।